मुमरा में अंशिया वेलफेयर की तरफ से सार्वजनिक गणेश मंडल और घरगुत्थी गणेश मंडलों के लिए इनामी प्रतियोगिता रखी गई थी। रीदा रशीद ने बताया कि 200 से भी ज्यादा लोगों ने इस प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन किया था। मुमरा के शंकर मंदिर के पास एक हॉल में ये कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम में बीजेपी MLC उमाताई खापरे भी शामिल हुई थी। इस प्रतियोगिता में सबसे खूबसूरत पंडाल सजाने पर 3 विनर चुने गए थे। पहले विनर को एक फ्रिज, दूसरे विनर को वॉशिंग मशीन और तीसरे विनर को LED TV दिया गया। इसके अलावा जो अन्य विनर थे उन्हें डिनर सेट और अन्य कई उपहार भी दिए गए। इस मौके पर बीजेपी नेत्री व अर्शिया वेलफेयर की अध्यक्ष रीदा रशीद ने क्या बताया है आपको सुनाते हैं। मैडम, आज का जो प्रोग्राम था आपका, सम्मान किया गया है, इनोग्रेट किया गया है बंगाल को लेकर के, त्यौहार को लेकर के, क्या कहेंगे इसके बारे में? सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। देखिए, हर एक प्रोग्राम करना चाहिए। जैसे उदाहरण, मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स करती हूँ, बहुत सारे योजनाओं पे काम करती हूँ और बहुत सारी महिलाओं के लिए काम करती हूँ, तो मुझे लगा सब प्रोग्राम करते हैं और बहुत अंदर अंदर हो रहा था बहुत सारे प्रोग्राम, तो ये भी एक है। देखिए, बहुत परंपरा है, बहुत जगह होता है, ये मुमरा कलवा में क्यों नहीं हुआ अब तक, ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था। तो जो जो मुमरा कलवा में नहीं हुआ है, जो जो फेस्टिवल बाहर निकल के हमको सबको मिलकर सेलिब्रेट करना है, वो इंशाल्लाह करने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें मैं सभी प्रोग्राम करने वाली हूँ। मैं बोलूँ ना, ईद से लेके हम दिवाली तक के मनाएंगे, हम सब भी प्रोग्राम करेंगे आने वाले कल में। इंशाल्लाह आप लोग का साथ रहा, अल्लाह का साथ रहा, तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छे से प्रोग्राम आप लोग के बीच में मैं करूँगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह सभी को आपने देखा, इतना खुशी हुई क्योंकि इस तरीके से प्रोग्राम भी पहले बार हुआ है ऐसा। मेरे को कुछ लोग कान में बोलते गए कि नहीं मैडम, बहुत अच्छा लगा। तो हमने सभी मंडलों से 1.5 दिन की गणपति, 5 दिन की, 7 दिन की, 10 दिन की, और सभी मंडलों का नोंदनी किया था, रजिस्टर किया था, आपने देखा था, वो मैंने स्कैनर भी रखा था सब जगह के, अपने स्कैन करके डालिए करके। तो इस तरीके से बहुत अच्छा माशाल्लाह रिस्पॉन्स आया, 200 के ऊपर लोगों ने रजिस्टर करवाया था हमारे पास। और बस प्रोग्राम्स करना है तो दिखावा के लिए नहीं करना होता है, एक दिल को, हमारे दिल को भी सुकून मिलना चाहिए, सामने वाले दिल को भी शांत रहता अच्छा लगना चाहिए। उस तरीके से किया है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी थे स्टार्टिंग से, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। कहीं ना कहीं आज चर्चा है गणपति की सजावट को देखते हुए, इतना अच्छा बड़ा प्रोग्राम किया, उसी तरह से यमुना नदी की भी सजावट की जाती है, बिल्कुल उसको देखते हुए आपने ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं? मैंने नहीं, देखिए मैं जिस समाज से हूँ उस समाज का तो मैं प्रोग्राम नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होगा। परसों देखा आप लोग ने, मैंने मिलजुल के सभी के साथ अपने मनाई त्यौहार मनाया, लेकिन क्या होता है ये पहले से नोंदनी हुई थी, थोड़ा सा उसमें रचना के लिए रह गया क्योंकि इसके लिए टीम लगती है, इसके लिए व्यवस्था लगती है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, मैंने ध्यान रखा हुआ है। मैंने क्या बोला, ये मैंने बिस्मिल्लाह किया है, ये मैंने शुरुआत की है, आने वाले कल में आप देखोगे क्या रीदा रशीद से जो भी बना पड़ा, जिसको भी खुशी में दे पाऊं, इतनी सी खुशी क्यों ना दे पाऊं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी और सभी तक प्रोग्राम करूंगी जाके। और परसों का भी अपना प्रोग्राम हुआ है, उसकी भी मैंने रजिस्ट्रेशन रखा है, वो भी मंडलों को जल्दी बुलाऊंगी। और जो भी बच्चों ने काम किया है इसके बाद भी, हमारा जो भी बच्चे लोग ने इसके बाद का प्रोग्राम बता रही हूँ, इंशाल्लाह जल्दी और लोग को आप लोग के सामने लाऊंगी। जितने भी त्यौहार हुए हैं अभी तक के, जिसके भी त्यौहार हो जिसमें लोगों ने और बच्चों ने सेवा किया है, वो भी एक जल्दी से मैं प्रोग्राम आप लोग के सामने लाऊंगी। क्या उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनका भी नाम सब आ चुका है, 100 के ऊपर बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। क्या होता है, रस्ते पे खड़े रह के कोई काम कर रहा है, वो आपसे कुछ नहीं मांगता है, वो आपसे एक थैंक यू मांगता है, क्या मांगता है, एक शुक्रिया मांगता है, तो उसको भी वो शुक्रिया और थैंक यू बोलना चाहिए। और हमारे जैसे लोगों ने अगर वो पीड़ा नहीं उठाया तो लोग रस्ते पे काम करने वाले कम हो जाएंगे, तो मैंने सोचा है इंशाल्लाह उस पर भी काम करूंगी। तो आप सोचिए, अगर मैं वो बात सोच रही हूँ तो मैं ये बात कैसे नहीं सोचूंगी। तो इंशाल्लाह आने वाले कल में सभी प्रोग्राम होगा और सभी चीजें होगा। आज का एक प्रैक्टिस था, लेकिन प्रैक्टिस मुझे लग रहा है बहुत लोगों ने बोला आप सक्सेस हुए, और इंशाल्लाह आगे चल के भी ऐसी सारी प्रैक्टिस सारी हदें मैं पार करना चाहूंगी जिसमें मैं लोगों को खुशी दूं और मेरे तरीके से मैं कुछ तो ऐसा करने का ट्राई करूँ। अभी ये मिलादुन्नबी तो निकल गए, अगले महीने ईद होती है, उसके लिए कुछ
बिल्कुल, अभी आपने जैसे कहा ये मेरे ध्यान में है और इसको अगले महीने है, तो ये 10 दिन पहले से काम इस पे चालू करूंगी और उसका भी प्रोग्राम करूंगी। और इंशाल्लाह आप देखते हो, प्रोग्राम करती हूँ, आप लोग को पता है डायमंड हॉल में जब सिलाई मशीन मैंने बांटी थी वहां पर 1500 महिलाएं थी। कितनी थी? 1500 महिलाएं थी। आप लोग वो रिकॉर्डिंग उठाओ, लास्ट का उठा के देख लीजिए कितना बड़ा प्रोग्राम किया था। हर प्रोग्राम करूंगी, बस आप लोग का साथ चाहिए और बस लोगों की दुआएं चाहिए। और बस शैतान है, शैतान अपना काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन मेरी नीयत बांध चुकी हूँ मैं, मेरी नीयत में बांध चुकी हूँ, तो मेरे नीयत से मुझे कोई नहीं हटा सकेगा और शैतान हरेगा, उसी की एक कोशिश है। और बस आप लोग के बीच में करते रहूंगी ऐसे प्रोग्राम। शुक्रिया, आप लोग भी आए, आप लोग का भी साथ बना रहता है मुझे, आप लोग भी, आपको देख के मेरा हौसला बढ़ता है। इसी तरीके से मुंबई के हर पत्रकार लोग मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मेरी ताकत बनते हैं, तो हर पत्रकारों की, आप लोग भी आए, सभी का शुक्रिया, सभी बहनों का शुक्रिया, सभी लोगों का शुक्रिया जो मुझे साथ देते हैं और मेरे लिए दुआएं करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी इसी तरीके से दुआएं करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।